तो बेटा दिस इज योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स 2021-22 टर्म 1। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैथ्स का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो पूरा साल के अंत में पेपर होता था, यानी कि पूरा एंड ऑफ द एग्जाम आपका 80 मार्क्स का पेपर होता था, और आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे जिससे ओवरऑल आपका मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का हो जाता था। यानी 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर एक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता था, जैसा कि 2000 अभी 21 में रिसेंटली हुआ। लेकिन जो 2022 में पेपर होना जा रहा है उस पेपर को दो पार्ट में कराया जाएगा। पहला जो पेपर है वो कराया जाएगा जैसा कि गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो पेपर कराया जाएगा नवंबर एंड दिसंबर में। उस गाइडलाइन को मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप उस गाइडलाइन को फोकस करें और उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर सीबीएसई। उसमें मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, और जो टर्म 1 का पेपर होगा वो प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और वो 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, और वो प्योरली ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन भी होंगे। जैसे आपको पता होगा कि असर्शन 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी और 4 भी होता है, 4 तरह के होते हैं। आप असर्शन 1 पे कब टिक करते हैं? असर्शन 1 पे आप तभी टिक करते हैं जब स्टेटमेंट 1 भी सही होता है, स्टेटमेंट 2 भी सही भी होता है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं assertion 1। और assertion 2 कब कहते हैं? जब statement 1 सही है, statement 2 सही है, लेकिन statement 2 statement 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हम assertion 2 कहते हैं। और assertion 3 कब कहते हैं? जब assertion 1 भी सही हो, मतलब statement 1 भी सही हो, statement 2 भी सही हो, और सॉरी statement 1 भी सही हो और statement 2 रॉन्ग हो, तो assertion 3 कहते हैं। और assertion 4 कब कहते हैं? जब statement 1 रॉन्ग हो और statement 2 सही हो। तो बेटा आपको समझ में आया असर्शन रीजन टाइप ने कभी सुना है? तो बेटा यही असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, प्योरली ऑब्जेक्टिव 90 मार्क्स का, जो टर्म 1 में होगा। और टर्म 1 में जो पेपर होगा बेटा वो 80 मार्क्स का ना होकर के 40 मार्क्स का पेपर होगा, और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रैक्टिकल होगा। तो ओवरऑल टर्म 1 में बेटा 50 मार्क्स का पेपर होगा। ओवरऑल टर्म 1 में 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 40 मार्क्स के आपके प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये टर्म 1 में होगा 90 मिनट्स का पेपर, और ये नवंबर दिसंबर में कराया जाएगा। यस बेटा बताइए। ऑफलाइन होगा ना सर? पेपर? यस बेटा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में इस पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? और ये पेपर बेटा प्योरली जो होगा बोर्ड की पैटर्न की तरफ से होगा। स्कूल वाले, स्कूल का कोई भी टीचर इस पेपर को नहीं बनाएगा, ये पेपर सेंट्रलाइज होगा, यानी बोर्ड की तरफ से ही आएगा, और उसी पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। और एनवायरनमेंट बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम की तरह ही होगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। ये साफ साफ इस पॉइंट को इंडिकेट किया गया है। उसके बाद ये आपका टर्म 1 हो गया। अब टर्म 1 में आना क्या क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अब हम टर्म 2 की तरफ चलते हैं। टर्म 2 का बेटा जो डिक्लेरेशन डेट है वो मार्च और अप्रैल में होगा टर्म 2 का पेपर। टर्म 1 का पेपर मैंने अभी आपको बताया कि वो 90 मार्क्स का होगा, लेकिन टर्म 2 का पेपर 90 मार्क्स का नहीं होगा, सॉरी 90 मिनट्स का होगा, लेकिन टर्म 2 का पेपर जो है 90 मिनट्स का नहीं होगा, वो 2 आवर्स का होगा, यानी कि 120 मिनट्स का होगा। टर्म 2 में टाइम ड्यूरेशन आपकी बढ़ा दी गई है 1/2 घंटे से। वो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ये प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। इसमें केस स्टडीज, सिचुएशन बेस, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे थ्योरी टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो बेटा आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि टर्म 1 आपका 90 मिनट्स का है, लेकिन टर्म 2 आपका 2 आवर्स का है। लेकिन हमारे जो श्री मोदी सरकार है उनका कहना है इस पॉइंट में, जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको अभी इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, तो मोदी जी का कहना है कि अगर कोविड की सिचुएशन किसी भी तरह से अगर कंट्रोल नहीं होती है, कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं, तो आपका जो टर्म 2 होगा वो एज सिमिलर एज टर्म 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि टर्म 2 का जो पेपर होगा उसको फिर से प्योरली ऑब्जेक्टिव बना करके 90 मिनट्स का कर दिया जाएगा, जैसा कि टर्म 1 में किया गया है।
क्या आपको मेरी बात क्लियर है? सर इसका कोविड से क्या रिलेशन है? इसमें बताया गया है कि एक पॉइंट दिया गया है कि जो टर्म टू है वो 2 आवर्स का होगा, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस होंगे और वो भी 40 मार्क्स का होगा और उसमें 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, तो टर्म टू आपका 50 मार्क्स का होगा। लेकिन इन केस अगर उस समय यानी कि मार्च और अप्रैल में अगर COVID-19 जनरेट हो जाता है, काफी सारे लोग बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे केस में फिर से जो टर्म वन में जिस तरह से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा उसी तरह से टर्म टू को भी पेपर में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि टर्म टू का पेपर प्योरली ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑनलाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन तो चाहे ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में उसका मतलब उससे क्या रिलेशन है? हाँ बेटा, रहेगा ऑफलाइन ही, यानी आपको अपने स्कूल में जा करके जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है अकॉर्डिंग स्कूल में जा करके ही देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ ओके। तो आपको समझ में आ गया कि आपका टर्म वन 50 मार्क्स का है, टर्म टू भी 50 मार्क्स का है, टर्म वन 40+10 है, टर्म टू भी 40+10 है, टर्म 90 मिनट्स का है, टर्म टू 120 मिनट्स का है। टर्म वन में जो होगा प्योरली एमसीक्यू है, assertion बेस्ड क्वेश्चन है, assertion reason type, और टर्म टू में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टर्म टू में क्या है, टर्म टू में थ्योरी क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड स्टडी, सब कुछ ये सब होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि आपके सिलेबस में रियलिटी में आने क्या वाला है। तो आपके सिलेबस में जो आने वाला है हम उसकी तरफ भी ध्यान दे देते हैं। तो ये है आपका क्लास 12th का सिलेबस। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12th की सिलेबस यानी कि जो आपका पेपर अभी नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जिसको बोर्ड कंडक्ट कराएगा, स्कूल नहीं कंडक्ट कराएगा, उस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शंस आ रहा, एलजेब्रा आ रही है, एलजेब्रा का मतलब होता है उसमें मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, और उसके बाद उसमें कैलकुलस है, और उसमें जो कैलकुलस का पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी कि इसमें जो कैलकुलस है वो कैलकुलस डिफरेंशिएशन वाली है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाली है, वो वाली कैलकुलस है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट बुक है यानी एनसीईआरटी की जो लगभग फर्स्ट बुक है, आप ये वो मान के चलिए कि एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक लगभग पूरी पूरी आ रही है। तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं कि आपका 40 मार्क्स का ये पेपर है और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है और टोटल ये आपका 50 मार्क्स का पेपर हो गया। और आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी सारी बातें बताई गई हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में आप क्या पढ़ेंगे सब बताया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मैट्रिसेस में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग टर्म टू पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टर्म टू में जो एनसीईआरटी की आपकी सेकेंड बुक है यानी जिसमें की इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, 3D वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी पार्ट टू में आती हैं। तो एनसीईआरटी पार्ट टू लगभग लगभग आपकी पूरी आएगी टर्म टू में। तो टर्म टू में आप देख सकते हैं आपका ओवरऑल पेपर 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 50 मार्क्स आपका टर्म टू का हो गया। आप देख सकते हैं कि टर्म टू में आने वाले इंटीग्रेशन किस टाइप के हैं, तो इंटीग्रेशन सारे वैरायटी आपको दिए गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि जो जो आपको पढ़ना है वो एकदम आइडेंटिफाई करके पूरी तरीके से दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, और आपका इस तरह से पूरी सीबीएसई की गाइडलाइन कंप्लीट हुई। अब आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। इन जनरल कौन सा पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं सुन रही हूँ कि टर्म वन बच्चे लाइक मम्मी पापा है ना, सब कह रहे हैं कि टर्म वन को अच्छे से कर लो, इन केस टर्म टू नहीं हो पाएगा तो 100% टर्म वन पे देखेंगे, प्लस टर्म वन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बेटा ये दोनों, हाँ आई थिंक ये बेटा ये दोनों ही पेपर कंपलसरी है, क्योंकि ये स्कूल नहीं कंडक्ट करा रहा है, ये बोर्ड की तरफ से ही पेपर बन करके आएगा। तो ये टर्म वन टर्म टू दोनों ही कंपलसरी है, और मैं आपको बता दूं टर्म वन आपको थोड़ा इजी लगेगा और टर्म टू आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए टर्म वन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। And also sir, ये पक्का है 100% that both the terms will be conducted, अगर COVID की वजह से हो सकता है online होगा, अगर दोनों terms conduct 100% होंगे, दोनों terms conduct 100% होंगे तभी इतना changes करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं।
अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि ऑनलाइन हो जाए, अगर मान लीजिए मार्च के समय पे अगर कोविड करा तो पेपर ऑनलाइन हो गया? अगर पेपर ऑनलाइन होगा तो हम तुमको अपने घर पे बुला लेंगे, तुम मेरे घर पे आ जाना आराम से, पेपर हम करा ठीक है। बाय द वे मेरे को लग नहीं रहा ऑनलाइन होगा, मेरे को लग रहा है कि स्कूल्स में इतनी जगह है, पूरे पूरे स्कूल खाली पड़े हैं, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए स्कूल में ही कंडक्ट कराएंगे, घर पे कंडक्ट नहीं कराएंगे उन्हें, जितना मेरे को आइडिया है ठीक है। सीबीएसई वालों को ऐसे दूसरे स्कूल और दूसरे जगह अपॉइंट होंगे वो नहीं होंगे ना इस बार, हम लोग अपने स्कूल में जाएंगे? हाँ, अपने स्कूल में ही आपको पेपर देना है, अपने ही स्कूल में पेपर देना है। यस बेटा।